इस तरह के नेट के फ्लावर बनाने के लिए हमें चाहिए ऊन, सुई धागा, ग्लू और नेट। वो सेंटर में लगाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, आप वो बीच में लगा सकते हैं सेंटर में। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए, सबसे पहले आपको एक कपड़ा कटिंग करना है जिसकी लंबाई रहेगी 35 इंच, एक तरफ से इसकी चौड़ाई रहेगी 1 इंच और एक तरफ से रहेगी 3 इंच, और यहाँ पे कपड़ा जॉइंट रहेगा, यानी आपको 6 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, उसको यहाँ से फोल्ड करना है, फिर यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 1 इंच, फिर यहाँ से आपको कटिंग करना है। कटिंग जब हो जाए तो यहाँ पे इतनी सी जगह रखते हुए आपको मशीन की सिलाई लगानी है। जैसे ही मैंने इसमें लगाई है, अब एक बड़ी सुई में इस तरह से डबल ऊन लेना है और ध्यान से सुई इसके अंदर से हमें एकदम ध्यान रखते हुए हमको पूरी सिलाई निकालनी है। इस तरीके से ये फिर कुछ दिखाई देगा। हमें सुई पूरी, ये 35 इंच लंबी पट्टी है, उसमें से सुई को बाहर निकालना है। मैंने पूरी पट्टी में ये ऊन घुसा दिए हैं, दोनों बाजू नोट बांध देना है ताकि ये बाहर निकले ना। हमें पूरी पट्टी में सिलाई लगानी है नीचे की तरफ, सिलाई मार के पूरा खींच देना है जितना खींच सकते हैं। फिर नीचे नोट लगा के पक्का कर दें। थोड़ा इसको घुमा के साइज कर लीजिए। यहाँ नीचे इसको यहाँ पे स्टिच कर दीजिए। Thank you.
आप इसे सेंटर में कुछ भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो स्टोन लगा सकते हैं। स्टोन या कुछ भी लगाते समय इसके नाके को छुपा दीजिए। आप चाहे तो इसे स्टोन लगा सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।